हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो में मैं एक मस्त जबरदस्त स्मार्ट वॉच की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। ये जो स्मार्ट वॉच है खास तौर पे किड्स के लिए ही डिजाइन की हुई है और ये स्मार्ट वॉच आ जाती है वॉच आउट ब्रांड की तरफ से। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पे इसका नाम भी आप पढ़ सकते हो, नेक्स्ट जेन किड्स स्मार्ट वॉच। ये जो वॉच है काफ़ी ज़्यादा ओवरलोडेड फीचर्स के साथ आ जाती है, जैसे कि इसके अंदर आप 4G सिम भी लगा सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, ऑडियो कॉल पे भी बात कर सकते हो, और गाइस सबसे मेन चीज़ इसके अंदर GPS भी देखने को मिलता है और वाईफाई ट्रैकिंग भी देखने को मिलती है। इसके अंदर MP3 भी मिलता है और भी बहुत सारी चीज़ें। गाइस वीडियो लास्ट तक ज़रूर से देखना, आपको ये जो वॉच है काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। बॉक्स देख रहे हो गाइस, इस तरह के इंटरेस्टिंग से बॉक्स में मिलती है हमें ये वॉच। बॉक्स की इस तरफ अगर मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पे देख रहे हो इसके ढेर सारे फीचर्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि इसके अंदर हमें SOS फंक्शन देखने को मिलता है, ऑडियो मॉनिटरिंग भी कर सकते हो, 580mAh की बैटरी देखने को मिलती है, राउंड कलर टच स्क्रीन है, वाईफाई है, GPS है, AGPS है, ग्लोनास है और भी बहुत सारी चीजें हैं, रेडियो एंड सर्च इंजन भी दिया हुआ है इसके अंदर। बॉक्स को इस तरफ अगर मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पर भी लिखा है 4G सिम एनेबल्ड है ये वॉच। टेक ऑफ सेंसर के साथ आती है, यानी कि अगर आपका किट जो है वॉच अपने हाथ से उतार भी देता है तो ऐप के अंदर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। MP3 प्लेयर दिया गया है इसके अंदर, वाटर रेसिस्टेंट है, गेम्स खेल सकते हो, वीडियो एंड वॉइस कॉल्स भी कर सकते हो इस वॉच को यूज करके। बॉक्स के पीछे अगर मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पे देख रहे हो और भी ढेर सारे फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे कि इसके अंदर 2 मेगापिक्सल का एक कैमरा भी देखने को मिलता है, 1 टच SOS भी दिया गया है और भी ढेर सारी चीज़ें। गाइस आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ें पढ़ भी सकते हो। तो चलो दोस्तों, बिना वक्त वेस्ट किए फटाफट से इस बॉक्स को मैं ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों अगर आप ये वॉच खरीदना चाहते हो तो इसका बेस्ट बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप चाहे तो इस स्मार्ट वॉच को खरीद भी सकते हो। बॉक्स की पैकिंग जो है वाकई में काफ़ी बढ़िया है। ये रही हमारी स्मार्ट वॉच, जैसे कि आप देख रहे हो गाइस यहाँ ऊपर एक कैमरा भी लगा हुआ है। तो पूरी तरीके से इसका डिज़ाइन जो है किड्स को ध्यान में रख के ही बनाया गया है। और वॉच देखते हैं यार थोड़ी देर में, पहले इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई है। तो इसे भी मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमें एक मैग्नेटिक चार्जर मिलता है इस वॉच को चार्ज करने के लिए। ये जो वॉच है 1 से 1.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। और यहाँ पे एक यूज़र गाइड मिली है और एक वारंटी कार्ड भी मिला है। इसके साथ हमें 12 मंथ्स की वारंटी भी देखने को मिलती है। फिलहाल इन चीज़ों को रख देते हैं यार साइड में। तो सबसे पहले इस वॉच का ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। राइट साइड में एक SOS बटन देखने को मिलता है, इस बटन को किस तरह से यूज़ करना है मैं आपको बताऊँगा, इस वीडियो लास्ट तक ज़रूर से देखना। और लेफ्ट साइड में 2 बटन यहाँ पे देखने को मिलते हैं और यहाँ पे इसका सिम ट्रे और यहाँ पे एक 2 मेगापिक्सल का कैमरा दिया हुआ है। ये है इसका राउंड डिस्प्ले। पीछे की तरफ यहाँ पे कुछ सेंसर्स वगैरह दिए हुए हैं, यहाँ से आप इस वॉच को चार्ज भी कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट जेन और वॉच आउट ब्रांड की तरफ से आ जाती है ये वॉच। आप इस स्ट्रैप को चाहे तो अलग भी कर सकते हो। तो ओवरऑल वॉच की बिल्ड क्वालिटी जो है काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लगी मेरे को और इसका स्ट्रैप भी जो है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और सिलिकॉन का स्ट्रैप बना हुआ है। तो इसके अंदर मैंने एयरटेल का सिम डाला हुआ है, मैं आपको सिम भी निकाल के बता देता हूँ। यहाँ से ये रहा गाइस मेरा एयरटेल का सिम, आप देख रहे हो यहाँ पर सिम लगा सकते हैं हम लोग चाहे तो। तो चलो फटाफट से इस वॉच को कर लेते हैं ऑन। वॉच जो हमारी पूरी तरीके से बूट अप हो चुकी है, तो अभी इसके मेनू के अंदर चलते हैं हम लोग। तो इसके ऊपर जो आप फेस वॉच देख रहे हो, इसे चेंज करने के लिए जस्ट यहाँ पर होल्ड करके रखना होता है आपको, और जो भी फेस वॉच आपको चाहिए यहाँ से आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। और भी फेस वॉचेस इसके अंदर देखने को मिलते हैं, जैसे कि इसके अंदर एक थीम्स आती है, थीम्स के अंदर भी आप बहुत सारे फेस वॉचेस लगा सकते हो। तो ऊपर की तरफ से मैं यहाँ पे स्वाइप करता हूँ तो यहाँ पे हमें क्विक सेटिंग्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि वाईफाई है, वॉल्यूम है, ब्लूटूथ सेटिंग्स, और यहाँ से आप ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो। इसकी ब्राइटनेस भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है और काफ़ी अच्छी खासी सनलाइट में भी इस वॉच को आप बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ भी कर सकते हो यहाँ पर। और यहाँ से डायरेक्ट गेम के अंदर भी जा सकते हो। नीचे यहाँ पे बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है, तो ऊपर 4G का सिग्नल भी दिखा रहा है। तो बैक चलते हैं, बैक के लिए ये बटन यूज़ करना होता है हमें। तो अगर इसको मैं लेफ्ट को स्वाइप करता हूँ तो यहाँ पे देख रहे हो फुटस्टेप काउंटर यहाँ पे दिखा रहा है। अगर मैं इसे राइट को स्वाइप करता हूँ तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स दिखा रहा है। आप चाहे तो इसके अंदर कॉन्टैक्ट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 कॉन्टैक्ट्स ऐड करके रखे हुए हैं। यहाँ पर आप सारे मैसेजेस वगैरह पढ़ सकते हो और यहाँ पे कैमरा भी यूज कर सकते हो। कैमरा भी मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये रहा इसका कैमरा, मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये वीडियो। यहाँ से आप फोटो वगैरह भी ले सकते हो इस तरह से।
तो बैक चलते हैं। इसकी जो कैमरे की क्वालिटी हम वीडियो कॉल के टाइम पे चेक कर लेंगे गाइस। यहाँ पे देख रहे हो एक फ़ोटो भी आ चुकी है। तो नेक्स्ट यहाँ पे म्यूज़िक प्लेयर भी आ जाता है इसके अंदर। म्यूज़िक प्लेयर इसका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मेरे को। देख रहे हो यहाँ पे किड्स से रिलेटेड सॉन्ग्स वगैरह आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नेक्स्ट है अलार्म सेट कर सकते हो इसके अंदर आप। थीम्स वगैरह भी लगा सकते हो इसके अंदर। तीन चार थीम्स देखने को मिलती है। हर थीम के अंदर आप अलग से फेस वॉचेस भी लगा सकते हो। नेक्स्ट गेम्स वगैरह खेल सकते हो। गेम्स के अंदर देख लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे एक टेट्रिस गेम नज़र आ रही है। यहाँ पे शायद ये एक हेलीकॉप्टर वाली गेम है और यहाँ पे पता नहीं कैसे ये क्या है। तो एक गेम भी खेल के देख लेते हैं गेम सही से काम कर रही है कि नहीं। तो भाई देख रहे हो गेम्स भी खेल सकते हो यार इस वॉच के अंदर आप। मज़ा आ गया गाइस। तो बैक चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लीला किड्स नाम का एक ऐप देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो शायद ये जो ऐप है किड्स के लिए ही बनाया गया है। तो अच्छा, तो यहाँ पर आपके एज के हिसाब से स्टोरीज राइम्स वगैरह बुक्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। ऑडियो बुक्स भी दी गई है इसके अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पर किड सर्च। तो शायद ये एक सर्च इंजन लग रहा है मेरे को। देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओके, तो अच्छा यहाँ पे कुछ गेम्स वगैरह भी दी गई है। किड्स ट्यूब है। तो यार ये किड्स ट्यूब क्या है देख लेते हैं एक बार। तो इसके अंदर सारे किड्स से रिलेटेड वीडियोस वगैरह देखने को मिलते हैं जैसे कार्टून्स वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई है। तो एक वीडियो भी प्ले करके देख लेते हैं गाइस हम लोग। ओ भाई साहब, इसके अंदर तो वीडियोस वगैरह भी प्ले हो रहे हैं गाइस। देख रहे हो तो बैक चलते हैं और क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे सेटिंग्स है। सेटिंग्स के अंदर क्या है देख लेते हैं। डेटा रोमिंग है, वाईफाई है, एपीएन है, टाइम जोन है, लैंग्वेज वगैरह भी चेंज कर सकते हो इसके अंदर। दो लैंग्वेजेस देखने को मिलती है, हिंदी और इंग्लिश। और यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट है और डिवाइस का IMEI नंबर भी इसके अंदर दिया हुआ है। तो दोस्तों ये था इस वॉच का मेनू। इसके अंदर इतनी ढेर सारी चीज़ें करने को मिलती है हमें। और जहाँ तक बात करूँगा इसमें इसके टच की, काफ़ी स्मूथ टच है आप देख रहे हो। काफ़ी रेस्पॉन्सिव सा डिस्प्ले है इसका और डिस्प्ले भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। तो चलो दोस्तों अभी इसके ऐप के अंदर चलते हैं। ऐप के अंदर क्या क्या चीज़ें हम लोग कर सकते हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस ये रहा इसका ऐप। ऐप के अंदर आप यहाँ पे देख रहे हो फोटोज़ वगैरह लगा सकते हो किड्स के। यहाँ से डायरेक्ट वॉइस कॉल कर सकते हो वॉच के ऊपर। और यहाँ से फुट स्टेप्स वगैरह आप चेक कर सकते हो सारी चीज़ें यहाँ से ऑडियो ट्रैकिंग वगैरह कर सकते हो। यहाँ से वीडियो कॉल भी कर सकते हो। मैं आपको वीडियो कॉल भी करके दिखा देता हूँ गाइस। तो यहाँ पे देख रहे हो अभी एक वीडियो कॉल आ रहा है, इसको मैं रिसीव करके भी आपको दिखाता हूँ। तो देख रहे हो गाइस मैं अभी मोबाइल में देख रहा हूँ। तो इस तरह से आप बात कर सकते हो वीडियो कॉल के जरिए डायरेक्ट वॉच से। तो इसकी कैमरा की क्वालिटी भी ठीक ठाक ही लग रही है मेरे को। वाव दोस्तों, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है वीडियो कॉल की। तो इसके वीडियो कॉल के अंदर एक लिमिट दी गई है, आप 3 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों ये जो है सिर्फ एक स्मार्ट वॉच है तो इसको हीटिंग इश्यू से बचाने के लिए 3 मिनट्स तक आप बात कर सकते हो एक टाइम पर। अगर मैं यहाँ पर नीचे आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पे देख रहे हो इस वॉच का जो है लाइव लोकेशन यहाँ पे दिखा रहा है। इसके ऊपर हम टैप करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हो मैप के अंदर सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाएंगी। जैसे इस वॉच के अंदर कितनी अभी बैटरी बची है यहाँ पर भी आप देख सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देख रहे हो वॉइस चैट भी आप कर सकते हो, 2-way वॉइस चैट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको वॉइस चैट भी करके बता देता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ हाई बोलकर, सेंड कर देते हैं इसे। तो यहाँ पे देख रहे हो नोटिफिकेशन आ चुका है फटाक से। यहाँ पर आप देख भी सकते हो और वापस यहीं से रिप्लाई भी कर सकते हो। रिप्लाई भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ गाइस। रिप्लाई के अंदर आप इमोजी से रिप्लाई दे सकते हो, फोटो भी भेज सकते हो, वॉइस से भी रिप्लाई दे सकते हो। यहाँ पे मैं आपको वॉइस से रिप्लाई देके बता देता हूँ। जस्ट इसको आपको होल्ड करना है। यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पर 30 सेकेंड्स की एक रिकॉर्डिंग भी हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से अभी देखना गाइस ये जो वॉइस चैट है यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। देख रहे हो यहाँ पे अभी दिखा रहा है।
तो अगर आप इमोजी से रिप्लाई देना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ये देख रहे हो गाइस, यहाँ पे इमोजी आ चुका है। तो इस तरह से आप सारी चीज़ें वगैरह कर सकते हो, टू वे वॉइस चैट भी कर सकते हो इसे यूज़ करके। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको ये SOS का भी दिखा देता हूँ। तो अगर हम इसे होल्ड करके रखते हैं तो ये काफ़ी अच्छा सिक्योरिटी फीचर लगा मेरे को इसके अंदर। तो यहाँ पे देख रहे हो अभी इसके अंदर जो है SOS चालू हो चुका है। यहाँ पर अभी आप जो भी बात करोगे 30 सेकेंड्स तक ये सारी चीज़ें आपका रिकॉर्ड करेगा और आपके लोकेशन के साथ ही इसके अंदर भेज देगा। यहाँ पे देख रहे हो अभी दिखा रहा है बेबी सेंड्स SOS मैसेज बोलकर। तो यहाँ से आप डायरेक्ट देख भी सकते हो, इसके ऊपर टैप करके यहाँ पे सारा लोकेशन के साथ आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। यहाँ पर हम डायरेक्टली सुन भी सकते हैं इस तरह से। तो अभी इसके सेटिंग्स के अंदर चलते हैं। सेटिंग्स के अंदर तो भाई साहब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दी गई है इसके अंदर। यहाँ पर आपके फैमिली मेम्बर्स को ऐड कर सकते हो, आप फ्रेंड्स को ऐड कर सकते हो। इसके अंदर एक सेफ जोन भी दिया गया है। इस जोन के अंदर आकर यहाँ पर आप एक सेफ जोन सेट कर सकते हो, जैसे कि होम, स्कूल। अगर सेफ जोन के बाहर आपका किट बाहर जाता है तो आपको यहाँ पर भी एक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज़ आ जाता है हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर आप देख रहे हो मैप ओपन हो जाता है। मैप के अंदर आप सारी चीज़ें ट्रैक वगैरह भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आ जाता है केयर। केयर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें दी गई है। तो यहाँ पे आ जाता है क्लास मोड। क्लास मोड के अंदर आप टाइमिंग वगैरह ऐड कर सकते हो क्लासेस की। नेक्स्ट आ जाता है वाईफाई, तो आपको पता ही होगा अलार्म है, अलार्म बंद चालू कर सकते हो। कॉल लिमिट भी यहाँ पे आप चाहे तो सेट कर सकते हो। यहाँ पर ट्रांसफ़र मैनेजर दिया गया है। वीडियो चैट को भी आप बंद चालू कर सकते हो। शट डाउन फॉरबिडन भी इसके अंदर दिया गया है। ये क्या काम करता है अभी मैं आपको बताता हूँ गाइस। यहाँ से अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो ये जो वॉच है अभी आप बिल्कुल भी ऑफ नहीं कर पाओगे। मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस वॉच को ऑन ऑफ स्विच ये है, यहाँ पे देखना गाइस। तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा पावर ऑफ फंक्शन इज डिसेबल्ड बोलकर। यहाँ से अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो अब जाकर आप इस वॉच को पावर ऑफ कर सकते हो। यहाँ से यहाँ पे देख रहे हो पावर ऑफ दिखा रहा है, रिस्टार्ट दिखा रहा है। तो इस तरह से गाइस इस वॉच को जो है आप इस ऐप के जरिए पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पे डिवाइस के बहुत सारे सेटिंग्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि ऑटो आंसर है, रिमोट रीस्टार्ट भी कर सकते हो इस वॉच को आप, क्लियर चैट रिकॉर्ड कर सकते हो, क्लियर लोकेशन रिकॉर्ड्स है, क्लियर वॉच एल्बम भी दिया गया है इसके अंदर। तो ये था गाइस इस ऐप का इंटरफेस। काफ़ी अच्छी तरीके से ऐप जो है वर्क कर रहा है, काफ़ी अच्छी तरीके से लोकेशन वगैरह भी ट्रैक कर लेता है बिना कोई लैग किए हुए। तो ऐप मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। ऐप भी जो है काफ़ी ज़्यादा रेस्पॉन्सिव है। ओवरऑल गाइस ये जो वॉच है सिक्योरिटी के मामले में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी मेरे को। आप पूरी तरीके से ट्रैक वगैरह कर सकते हो और आप आपके किड के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हो वॉइस कॉल और वीडियो कॉल्स करके। ओवरऑल ये जो वॉच है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी मेरे को। इस वॉच को अगर आप खरीदना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, वहाँ से जाकर आप चाहते हो इस वॉच को खरीद भी सकते हो। तो चलो दोस्तों अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। तो दोस्तों आज मैं देने वाला हूँ 10 लोगों को शाउट आउट। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आ जाता है अरमान, आदित्य कुमार, ईशान यादव, सोलंकी मंथन, सुदर्शन, सागर, इमरान, काव्यांश, ओम कनवार, दिनेश। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शाउट आउट दे सकूं। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं 10 लोगों का नाम सेलेक्ट करूंगा जो भी यहाँ पे अच्छे से कमेंट करेंगे और इस वीडियो पर लाइक करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे होती है एंड। मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह कुछ धमाकेदार प्रोडक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।